नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। आज विश्व किडनी दिवस के अवसर पर शारदा नगर स्थित फॉर्चून हॉस्पिटल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर गुर्जर ने उपस्थित संवाददाताओं को बताया कि स्वस्थ जीवन के लिए किडनी, हृदय एवं फेफड़े जितने ही महत्वपूर्ण हैं। किडनी के प्रमुख कार्य में जल की मात्रा का नियंत्रण, हानिकारक व अतिष्ट पदार्थों का रक्त से सफाई, रक्तचाप व नियंत्रण, विटामिन डी को सक्रिय करना, रक्त कणों को बनने में सहायता करना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट की मात्रा यथावत बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि किडनी की बीमारियां मधुमेह, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों में होने की ज़्यादा। इस अवसर पर फॉर्चून हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक एवं शहर के प्रतिष्ठित लैप्रोस्कोपिक एवं बायरियाटिक सर्जन डॉक्टर मनीष वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरू किया। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। गुर्दा का दिन है, जिससे हम लोगों में अवेयरनेस पता करें ताकि वो अपने गुर्दे का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से ख्याल रख सकें, क्योंकि गुर्दा एक ऐसी बीमारी है जो होने से पहले उसका बचाव बड़ा आसान है, होने के बाद फिर एक लंबी प्रक्रिया है, एक लंबा इलाज है, महंगा भी है। आज हम इसी सब विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पेशेंट फोरम का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम उनके स्वास्थ्य संबंधित, उनके आहार नीचे देते हुए जो किडनी दिवस के उपलक्ष्य में आपने यहाँ कार्यक्रम रखा है और पत्रकार वार्ता बुलाई है, उसके बारे में बताएं। जी, मैं वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देशराज गुर्जर आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये विश्व गुर्दा दिवस जो मनाने का जो मकसद है वो एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ने की एक मुहिम है। तो ये जो मुहिम है ये इसीलिए चलाई जा रही है, पूरे विश्व में लगभग 850 मिलियन लोग हैं जिन्हें किडनी की बीमारी है, और ये जो किडनी की बीमारी है वो सरल भाषा में बताएं तो लगभग 10 में से एक व्यक्ति को किडनी की बीमारी होती है। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी बीमारी है और पूरे विश्व में फैली हुई है तो इसके प्रति एक जागरूकता अभियान, एक मुहिम चलाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये बीमारी को ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये बहुत ही रेयर बीमारी है, बहुत ही कम लोगों को होती है। दूसरा सबसे बड़ा जो इसके बारे में मिथ्स है कि हमें बीमारी होगी तो हमें पता चल जाएगा, हम जाकर के डॉक्टर को दिखा लेंगे, और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि बीमारी के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और कॉस्टली होते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं। तो विश्व गुर्दा दिवस मनाते समय हम इन्हीं सारी बातों को, जो समाज में जो भ्रांतियाँ हैं, जो मिथ्स हैं, उनको ही क्लियर करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपको यदि बीमारी है तो आप किस तरह से बच सकते हैं, और यदि बीमारी है तो आप किस तरह अपना इलाज करा सकते हैं और अपने परिवार की और सबकी केयर कर सकते हैं। जो गुर्दा रोग है ये एक महामारी का रूप ले रहा है, इसका क्या अभी आप लोगों ने ऐसा निदान निकाला है जिससे मरीज को बहुत आसानी से इलाज मिल सके और उसको जो फ़ायदा हो जल्द से जल्द? जी, गुर्दा रोग एक बड़ी महामारी का रूप इसलिए ले रहा है कि हमारे देश में जो खान पान की प्रक्रिया है और जो देश में जो रहन सहन की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी बदलाव आया है, जिसकी वजह से जो 90 के दशक में जो चेंजेस आए थे जो लोगों की लाइफ स्टाइल में, उसकी वजह से हमारे देश में ब्लड प्रेशर की बीमारी और शुगर की बीमारी के रोगियों की तादाद बढ़ती गई, और आज की तारीख में भी ये दोनों ही बीमारियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा किडनी की बीमारी का कारण है और जिसकी वजह से किडनी खराब होती है। तो इन दोनों बीमारियों में जो किडनी खराब होती है, तो सबसे पहला जो विश्व गुर्दा दिवस मनाने का मकसद ही यही है कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए और एक स्वस्थ आदमी अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकता है, ऐसी कौन सी बातें उनका ध्यान रख सकता है जिसकी वजह से बीमारी ना हो, क्योंकि होने के बाद में उपचार वाकई में महंगा है, लेकिन उसके उपचार के लिए भी सरकार की तरफ से भी अनुदान होता है और कुछ प्राइवेट संस्थाएँ, NGO हैं जो मदद करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीमारी होने के बाद में आप अपना इलाज नहीं करा सकते, आप आर्थिक स्थिति यदि कमजोर है तब भी आप अपना पूरा इलाज करा सकते हैं। क्या लक्षण होते हैं जब पता चल जाता है कि गुर्दा हमारा जो है फेल हो रहा है या हमारी बीमारी लग गई है? जी, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है इस बीमारी के बारे में, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे शरीर में जब लक्षण आएंगे तभी हम डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब तक ये शरीर में लक्षण आते हैं उस समय तक हमारी ऑलमोस्ट अराउंड 70-80% किडनी खराब हो जाती है, और ये वो काफ़ी लेट स्टेज होती है जब किडनी के लक्षण आपके शरीर में प्रकट होते हैं। उन लक्षणों में से यदि हम बात करें तो सबसे जो कॉमन लक्षण है, पेशाब में प्रोटीन का आना, शरीर पर सूजन का आना, पैदल चलते समय सांस का फूलना, बार बार पेशाब का आना और बार बार हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, ये सारे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि आपको किडनी की बीमारी होने की आशंका है।
यूट्यूब पर अभी हमारे चैनल बीपीए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप कोई भी खबरों को मिस न करें व हमारे वीडियोस को लाइक करें।